हेलो बच्चों, आप सभी का नायसा के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। फिजिक्स का जनरल कंपटीशन के फिजिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जनरल कंपटीशन के फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी यूनिट एंड डायमेंशन आज हम लोग शुरू करते हैं। डिले ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट बोर्ड पर आते हैं और बात करते हैं कि आज का जो यूनिट डायमेंशन होता है ये क्या होता है। हमारा चैप्टर का पहला नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट और डायमेंशन के बारे में। तो अब हमारा सबसे पहला हमारे बीच में एक क्वेश्चन आती है कि यूनिट डायमेंशन किसका होता है। यूनिट डायमेंशन यानी इकाई और बीमा जो होता किसका है। तो भैया यूनिट और डायमेंशन जो है, मैं आपको बता दूँ, यूनिट डायमेंशन बीमा का राशि का होता है। किसका होता है? राशि का होता है। किसका होता है? राशि। राशि यानी क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि राशि क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग राशि के बारे में। राशि किसी भी वस्तु की संख्या या मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। क्या आपने समझा? नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। यानी किसी भी वस्तु की संख्या यानी नंबर या मात्रा यानी अमाउंट उस वस्तु का क्या कहलाता है? राशि कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ से उतना समझ में नहीं आया, चलिए एक एग्जांपल दे करके आपको हम समझाते हैं। सपोज आप जो है कोई सामान खरीदने जाते हैं, सपोज मान लो जनरल स्टोर आप जाते हो। जनरल स्टोर में आपको कोई सामान खरीदना, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, कुछ भी खरीदने जाते हो। तो आप जब उनको कहते हो कि भैया हमको चीनी दे दो, चावल दे दो, आटा दे दो, तो वो शायद नहीं देता होगा हमको। तब तक वो सामान नहीं देगा जब तक कि हम उसके क्वांटिटी को ना बताएं, उसके मात्रा को ना बताएं, उसके अमाउंट को ना बताएं। तो जब हम उनको अमाउंट बताते हैं, जैसे भैया हमको चावल है 5 केजी चावल दो, तो वो तुरंत निकाल के देता है, भैया ले लो आपका 5 केजी चावल है। तो चलिए बात करते हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं क्वांटिटी का, क्वांटिटी क्वांटिटी यानी राशि। अब देखिए क्वांटिटी यानी राशि, राशि में हमने दुकान में क्या लिया? तो चावल लिया। क्या लिया? चावल लिया। चावल कितना लिया? तो भैया 5 केजी लिया। क्या लिया? 5 केजी लिया। ये जो चावल है हमारा, इसी चावल को हम लोग राशि बोलते हैं। यही चावल हमारा राशि कहलाता है यानी क्वांटिटी कहलाता है। ये चावल क्या कहलाता है? क्वांटिटी कहलाता है। अब ये जो चावल है क्वांटिटी, और हमने आपको पहले ही बताया कि चावल क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के पास में अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। ये जो क्वांटिटी के पास में जो 5 केजी है, यही इसका क्या कहलाएगा? मात्रा यानी अमाउंट। यही कहलाएगा इसका मात्रा या अमाउंट। यही कहलाएगा मात्रा यानी अमाउंट। ये जो हमारा है अमाउंट, चावल का जो अमाउंट कितना है? 5 केजी। 5 केजी है इसमें। इसका मतलब ये हुआ अमाउंट के पास में दो चीज़ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? तो भैया पहला होगा नंबर और दूसरा होगा यूनिट। यानी यहाँ से हमको पता चलता है कि क्वांटिटी जो होता है उसके पास दो चीज़ होता है, एक होता है नंबर, दूसरा होता है यूनिट। एक होता है नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं, यूनिट को यू से डिनोट करते हैं। ये हमारा नंबर, नंबर यानी संख्या, और ये जो हमारा है ये यूनिट हो गया, ये यूनिट यानी इकाई। क्लियर? तब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि चावल का जो मात्रा है, मात्रा के पास में दो चीज़ है, एक है नंबर, दूसरा यूनिट है। यानी चावल क्या है? हमारा राशि है। इसका मतलब ये होता है राशि के पास में दो चीज़ होता है, नंबर और यूनिट। यूनिट के बारे में हम आगे में बाद में देखेंगे, आगे नेक्स्ट जो अगला वीडियो होगा उसमें देखेंगे। अभी हम लोग राशि और राशि के प्रकार के बारे में बात करना है। हमने यहाँ से देखा कि राशि क्या होता है। ये जो राशि का जो मात्रा होता है, तो इसी को एक चीज़ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। इसी मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यही जो हमारा मात्रा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। क्या बोलते हैं इसको? परिमाण बोलते हैं। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। पहला हमने राशि का बात किया, राशि
जैसे चावल है, चावल एक राशि है ना, या इसको क्वांटिटी बोलिए, चावल का मात्रा यानी अमाउंट हो गया 5 kg, 5 kg में दो चीज़ है, 5 है और kg है, 5 हो गया, नंबर हो गया, यानी मात्रा के पास में दो चीज़ होता है, नंबर होता है और यूनिट होता है, kg जो हो गया यूनिट हो गया, और इसी मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। आर यू गेटिंग मी? ओके, नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके टाइप्स के। भौतिक राशि, सॉरी, राशि जो होता है, क्वांटिटी जो होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। आपने यहाँ देख रहा होगा, पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल क्वांटिटी यानी गणितीय राशि, दूसरा जो होता है केमिकल क्वांटिटी यानी रासायनिक राशि, तीसरा जो होता है फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। आप यहाँ से समझ ही रहे होंगे कि आखिर ये तीनों क्या होता है। पहला मैथमेटिकल क्वांटिटी जो होता है, मैथमेटिक्स क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, ऐसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, गणितीय राशि या मैथमेटिकल क्वांटिटी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज अ डिजिट यानी अंक, सेकेंड इज अ नंबर यानी संख्या। यानी ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अंक, दूसरा होता है संख्या। अंक यानी डिजिट और संख्या यानी नंबर। क्लियर? अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ये आप लोग को अच्छे से पता। संख्या अनंत होते हैं और अंक से ही क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। अंक से ही क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। क्लियर? और इससे ज़्यादा तो आप मैथमेटिक्स के क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, मैथ का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा रासायनिक यानी केमिकल क्वांटिटी। केमिकल क्वांटिटी होता है क्वांटिटी दैट आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, है ना, इज कॉल्ड केमिकल क्वांटिटी। केमिकल क्वांटिटी जो होता है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में यूज किया जाता है। क्लियर? और ये जो होता है ये भी दो प्रकार के होता है। कौन कौन? तो भैया एक ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है हमारा एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स यानी तत्व, कंपाउंड्स यानी यौगिक। एलिमेंट्स जो होते हैं वो 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, है ना। पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं, जिसे आवर्त सारणी भी आप कहते हो। क्लियर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, डॉट डॉट डॉट, ये सब टोटल 118 एलिमेंट होता है। और उसी 118 एलिमेंट से पूरे के पूरे कंपाउंड्स बनता है। ये भी केमिस्ट्री का बात रहा, आप केमिस्ट्री क्लास में पढ़ोगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के बारे में, जो कि यहाँ पे आप पढ़ोगे फिजिक्स में। क्लियर? भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि है ना, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा या तोला जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मापा या तोला जा सके, ऐसे राशि को भौतिक राशि कहते हैं। विच कैन बी मेजर्ड, है ना, यह राशि मापी जाती है। इसका मतलब हो गया भौतिक राशि को हम माप या तोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंथ यानी दूरी का बात करते हैं, डिस्टेंस, दूरी। हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो लेंथ है, लंबाई जो है, उसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो, अब जैसे देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं। क्लियर? यहां पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हम किसका बात करते हैं? दूरी का। किसका बात कर रहे हैं? दूरी का, है ना। तो ये पॉइंट ए से बीच की जो लेंथ है, लंबाई जो है, वो 10 मीटर हो गया। तो दूरी कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। अब ये देखिए, दूरी के पास में दो चीज़ है, एक है नंबर है, दूसरा यूनिट है। तो यानी नंबर और यूनिट है तो यही इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये भौतिक राशि है। क्लियर? एक दूसरी बात हो गया, चाल का बात करते हैं। अब चाल का बात कीजिए। अब देखिए, इसी पॉइंट पे, पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस है 10 मीटर और ए से किसी भी आदमी को, एक आदमी है, ये भाई साहब है हमारे, इनको जो है ए से बी तक जाने में लगता है 10 सेकेंड। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल को भी से डिनोट करते, भी बराबर डी अपॉन टी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है भैया हमारा? 10 मीटर। टाइम कितना है हमारा? 10 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। किसका मैग्नीट्यूड होगा? चाल का। और ये जो मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो इसका मतलब ये चाल हमारा भी भौतिक राशि है। क्लियर? चाल हमारा क्या है? भौतिक राशि, क्योंकि इसके पास में भी दो चीजें, एक होता है नंबर, दूसरा होगा यूनिट। क्लियर? आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह
और भी है, जैसे वेग होगा वेग का भी मीटर पर सेकंड में होगा, है ना। फिर त्वरण होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स बनेंगे तो न्यूटन में होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। इसी टाइप से और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, ये आपका क्वेश्चन रह गया। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इक्वल टू हो जाएगा नंबर एंड यूनिट। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो हमारा नंबर और यूनिट है, क्या है नंबर, फिजिकल क्वांटिटी को किस क्यू से डिनोट किया है, नंबर एन से और यूनिट यू से, क्यू इक्वल टू एन यू। अब हम क्या करते हैं, इसको जरा ध्यान से दीजिए, एन यू जो हो गया, नंबर यूनिट जो हो गया, ये अमाउंट हुआ यानी मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, नियत यानी कांस्टेंट, ये नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप यहाँ से पूछेगा एन और यू का रिलेशन क्या, जब ये कांस्टेंट होता है, जब ये इक्वल को हटाएंगे तो क्या होगा, समानुपाती के चिन्ह लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन समानुपाती वन अपॉन यू, इसको क्या बोलेंगे, एन जो होगा यू का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस ये इक्वेशन से क्या पता चलता है, संख्या जो होता है इकाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आपसे पूछा जाए किसी भी भौतिक राशि का परिमाण यानी संख्या जो होता है मात्रा का क्या होता है, ऑप्शन रहेगा समानुपाती, दूसरा ऑप्शन रहेगा व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा रहेगा दोनों, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या ऑप्शन में टिक मारिएगा, तो आपको मारना है व्युत्क्रमानुपाती, क्या मारना है व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम नोट कर लीजिएगा, ओके। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके प्रकार के बारे में, किसके प्रकार, तो भाई भौतिक राशि के प्रकार के, जिस तरह राशि तीन प्रकार के होते हैं उसी टाइप से भौतिक राशि भी तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो पहला मूल राशि यानी आधारित राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा संपूरक राशि यानी क्या हो गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मूल राशि वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, मूल राशि क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं होते। मूल राशि कितने होते हैं, तो सात होते हैं, मूल राशि स्वतंत्र होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं करते हैं, ये सात होते हैं। कौन कौन होते हैं, यानी सेवन होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सेवन, ओके। बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, तो ये सात होते हैं, एल एम टी के सी डी आई मोल, क्या है, एल एम टी के सी डी आई मोल। अब जरा देखिए, ये L जो हो गया लेंथ का पहला लेटर है, M जो है मास का पहला लेटर है, T जो है टाइम का पहला लेटर है, लेकिन इसका हम लोग इसके यूनिट यानी केल्विन का पहला लेटर लिए हैं, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, उसका पहला लेटर लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो होता है उसका पहला लेटर होता है, यूनिट होता है कैंडेला, उसका जो है सी डी लेटर लिए हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में एम ओ एल से डिनोट करते होते, ओके। तो ये जो हमारे साथ है, सेवन है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ मिस लंबाई हो गया, मास मिस द्रव्यमान हो गया, टाइम मिस समय हो गया, टेम्परेचर मिस ताप या तापमान हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता हो गया, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा हो गया। क्लियर, यहां तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न राशि का, किसका बात करेंगे, व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी जो होता है वो भौतिक मूल राशि यानी आधारी राशि के गुणनफल और भागफल से प्राप्त होता है, किससे होता है, गुणनफल और भागफल से। आप कहिएगा सर कैसे प्राप्त होता है, तो जरा हम दो एग्जांपल देकर के आपको बताते हैं, एक गुणनफल से दूसरा भागफल से, क्लियर। अब जरा देखिए यहां पे डिराइव क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी को हम लोग डी क्यू से भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी क्यू। पहला बात करेंगे हम लोग डी क्यू जो होगा वो गुणनफल से कैसे प्राप्त होता है, एक नंबर में ये हो गया है ना, एफ क्यू के गुणनफल और भागफल से प्राप्त होता है। दूसरा बात हो गया, ये जो डी क्यू है डिराइव क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के भागफल यानी डिवीजन फॉर्म से प्राप्त होता है। तो कैसे होता है, तो जरा इस चीज़ को देखते हैं, इसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे, तो एरिया, क्या ले लिए, एरिया क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, ओके। अब ये एरिया इक्वल टू आप लोग जानते हो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ,
ओके, लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई, है ना। अब देखिए लंबाई भी को, एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एरिया को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और लंबाई लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, और ये ब्रिज जो हो गया ब्रिज यानी चौड़ाई, ये भी एक क्या है लेंथ है, इसको भी क्या करेंगे एल से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे आप बताइए ये हमारा डी क्यू हो गया और ये हमारा क्या हो गया एफ क्यू हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का लिखिए, और यहाँ पे ये भी एल लेंथ है तो ये भी क्या हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो अब बताइए इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसी टाइप से और भी सारा है, जैसे आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो हो गया फंडामेंटल, फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल, है ना। यहाँ से आप बात कर सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से बात हो जाएगा डी एरिया इक्वस टू, एरिया इज इक्वस टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्लियर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं, किसका बात करेंगे तो इस डिवीजन फॉर्म से कैसे प्राप्त होता है। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्पीड का, स्पीड यानी क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखिए स्पीड को हम लोग चाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी अपॉन समय, दूरी बटे समय। ओके, तो चाल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, भी इक्वल टू क्या होता है डी अपॉन टी। डी क्या है हमारा यानी लेंथ है, लेंथ है, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा एफ क्यू हो जाएगा, और टाइम जो होगा ये तो टाइम है, टाइम कौन सा क्वांटिटी है तो एफ क्यू हो गया, इसलिए डी क्यू जो होगा ये क्या भी जो होगा वो क्या हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा। सो वी कैन राइट डी क्यू इक्वल्स टू एफ क्यू अपॉन एफ क्यू, है ना। अब देखिए दूरी जो हमारा क्या है, दूरी लेंथ है, लंबाई है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, क्लियर। तो समझ में आया, ओके, तब हम आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है संपूरक राशि, क्या है संपूरक राशि। अभी हमने मूल राशि देखा, ये सात होते हैं, उसी से क्या बनता है डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कितने, तो बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं जो आगे हम लोग टेबल में पढ़ेंगे, टेबल बना करके एक तरह एक लाइन से आपको एक एक करके हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको संपूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में हम आपको बता दें, है ना, क्वांटिटी विच हैज़ नो यूनिट्स बट वी कैन प्रोवाइड सम स्पेशल यूनिट, ऐसी राशि जिसके पास में यूनिट नहीं होता है लेकिन उसको हम कुछ स्पेशल टाइप के यूनिट प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं संपूरक राशि या सहायक राशि या पूरक राशि, इंग्लिश में इसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ये टू टाइप्स का होता है, कौन कौन होता है, एक होता है प्लेन एंगल समतल कोण, दूसरा होता है सॉलिड एंगल ठोस कोण, क्या होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, समतल कोण और ठोस कोण। चलिए आगे देखते हैं इसका प्लेन एंगल, और इसके आगे हम लोग बात करते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ले लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं समतल कोण यानी एस क्यू, यहां पे क्या बात करेंगे हम लोग एस क्यू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये टू टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, एक हो गया समतल कोण प्लेन एंगल, दूसरा हो गया ठोस कोण, ठोस कोण सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। समतल कोण जो 2D में हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना, जो समतल पे ड्रॉ करते हैं ऐसे कोण को समतल कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करते हैं किसी भी सर्कल ड्रॉ कर दिए, है ना, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये जो एंगल होगा,
है ना, या हम लोग एक प्लेन में ऐसे करके एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा बहुत सारे एंगल फॉर्म होगा, ये होगा, ये होगा, ये जैसे 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री होगा, है ना, और ये जैसे 90 डिग्री हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारा प्लेन एंगल है। या और भी बात करेंगे तो आपको ऐसे करके आ गया, है ना, ये एक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये सब के सब क्या आपको दिख रहा है, ये सब प्लेन एंगल हो गया। जहाँ तक आप सॉलिड एंगल का बात करते हैं तो सॉलिड एंगल का सबसे अच्छा एग्जांपल है भैया, सॉलिड एंगल का एग्जांपल आपको पता करना है तो क्या करना है, एक गोल सा तरबूज लाना है, आराम से 10 20 50 में जो देगा खरीद के लाना है, उसमें चाकू मार मार के ऐसे 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 मारो और उससे बीच से निकालो, देख लो कौन सा मिलेगा। या आइसक्रीम आप देख रहे हो, वो जहाँ से निकलता है वही सॉलिड एंगल है, क्या है, सॉलिड एंगल है। तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, है ना, ओके। तो ये जो हमारा, इसको हम लोग डेल ओम से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया, ओ हो गया, ये जो एंगल होगा ये सॉलिड एंगल होगा, है ना, सॉलिड के अंदर जो एंगल फॉर्म होता है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात, ये दोनों एंगल के पास में जो होता है, ये दोनों जो क्वांटिटी होते हैं इसके पास में अपना खुद का यूनिट नहीं होता, तो इसके यूनिट, इसको हम लोग यूनिट स्पेशल टाइप का यूनिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे समतल कोण को रेडियन और ठोस कोण को स्टेरेडियन। आगे हम लोग जब यूनिट की बात करेंगे तो इसमें उसमें देखेंगे क्या होता है, ओके। तो आज के क्लास में आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, पहला हम लोग ने देखा क्वांटिटी क्या होता है, दूसरा हम लोग ने देखा क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, पहले हमने ये देखा, फिर से मैं बता दूं, क्वांटिटी यानी नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी, किसी भी वस्तु की संख्या या मात्रा उस वस्तु का राशि कहलाता है। दूसरा हम लोग ने ये देखा क्वांटिटी के टाइप्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी राशि के 3 प्रकार होते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटी, गणितीय राशि, केमिकल क्वांटिटी, रासायनिक राशि और फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। फिर इसके बाद हम लोग ने फिजिकल का क्वांटिटी का बात किया, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसे मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसका एग्जांपल में जैसे दूरी, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ऊर्जा, ये सब आपको हमने बताया। उसके बाद फिर हम लोग ने बात किया कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स का होता है, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तीसरा जो डिराइव क्वांटिटी। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होते हैं, है ना, जो कि स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, LMTK, CDI मोल। दूसरा जो होगा डिराइव क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के गुना भाग से बनता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के गुना भाग से प्राप्त होता है वो उसे क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। जैसे हमने देखा एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, तो लंबाई वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, चौड़ाई भी लंबाई है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वहाँ पे फंडामेंटल इनटू फंडामेंटल से डिराइव्ड बना। उसके बाद हमने देखा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या है, लंबाई है, लंबाई है तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और समय जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल बटे फंडामेंटल क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी हो गया। इसके बाद हमने तीसरा क्या देखा, तीसरा देखा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, संपूरक राशि, ऐसे राशि जिसके पास में खुद का यूनिट नहीं होता उसके, उसको हम लोग यूनिट प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संपूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपको प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल यानी समतल कोण और ठोस कोण, या उसको घन कोण भी बोल सकते हैं। इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ओके, बाय, टेक केयर।